कौन शुरू किया है, कौन समाप्त किया, इसको लिखते हैं। लिखना, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। दूसरा पॉइंट, किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। पूछा जाएगा कि बंगाल में दो शासन शुरुआत किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब शुरू किया? 1765 में। अब दूसरा पॉइंट लिखना, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था का अंत कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। तो शुरू किसने किया, समाप्त किसने किया, जरूर याद रखना, और कब किया, कब शुरू किया गया। ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, द्वैत शासन से तीन चार सवाल हमेशा रहते हैं, हमेशा। तो पहला याद रखना कि द्वैत शासन बंगाल में शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और कब किया? 1765 में। और द्वैत शासन का अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। या तो कोई डाउट नहीं है? एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि द्वैत शासन का जनक कौन है, तो द्वैत शासन का जनक एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है लियो कर्टिस। लिख लेना वहीं पे। अगला पॉइंट कि द्वैत शासन का जनक लियो कर्टिस है, यह लिखा है लियो कर्टिस। ये इसका दिमाग की उपज थी, इसी ने सलाह दिया था, लियो कर्टिस, उसको अंडरलाइन कर लेना। द्वैत शासन का जनक लियो कर्टिस को कहा जाता है, ठीक है, ये इसी ने सलाह दिया था रॉबर्ट क्लाइव को, तो इसी की उपज थी वो। कोई डाउट नहीं है? अब आगे लिखना, लिखना आकाश, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की 1765, और अंत किया 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, और द्वैत शासन का जनक है लियो कर्टिस। बढ़े आगे, अब लिखना आगे, द्वैत शासन के अंतर्गत दीवानी और निजामत, ब्रैकेट में प्रशासन, दीवानी और निजामत के अधिकार को अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। जिसके लिए अलग अलग क्या लिखा, पॉइंट क्या लिखा? नहीं, पहला जो अभी ये लाइन लिखा है, नहीं, फिर से जरा बोलना पूरा सेंटेंस। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ फिर से। द्वैत शासन के अंतर्गत दीवानी और निजामत के अधिकार को अंग्रेजों ने अलग अलग, क्या लिखा संजय पुराम, मैं फिर से बोला, उसको काट फिर से लिखना, बंगाल में द्वैत शासन अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैत शासन अंग्रेजों द्वारा दीवानी और निजामत के अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा, अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा।
अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा। निजामत का अधिकार, निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब को दिया। निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब को दिया, जबकि दीवानी के लिए निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब को दिया, जबकि दीवानी के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की, दो अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की। बंगाल में दो अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की, बंगाल में रजा खां, बंगाल में रजा खां और बिहार में सिताब राय, बंगाल में रजा खां और बिहार में सिताब राय को दीवानी वसूलने का अधिकार दिया गया, दीवानी वसूलने का अधिकार दिया गया, दीवानी वसूलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब डाला हेडिंग द्वैध शासन का लाभ। द्वैध शासन का लाभ, क्या लाभ हुआ द्वैध शासन से अंग्रेजों को? ये क्वेश्चन आता है 100 नंबर में, लिखने को भी आ जाता है, तो लाभ क्या है, हानि क्या है, ये भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लिखना लाभ क्या हुआ। तो पहला लाभ हुआ अंग्रेजों के राजस्व में वृद्धि, अंग्रेजों के राजस्व में वृद्धि, द्वैध शासन का लाभ अंग्रेजों के राजस्व में वृद्धि। नंबर दो, कंपनी के व्यापार में वृद्धि, कंपनी के व्यापार में वृद्धि। तीसरा, अंग्रेजी शासन की नींव और मजबूत हुई, अंग्रेजी शासन की नींव और मजबूत हुई। अगला, भारतीयों का सहयोग, भारतीयों का सहयोग अंग्रेजों को मिला, अंग्रेजों को मिला। ये समझ में आया नहीं आया? अब यहां देखो ध्यान से, तो राजा, वो रजा खां और सिताब राय दोनों भारतीय हैं। अब दोनों किसके लिए काम करेंगे? अंग्रेजों के लिए। ठीक है, एक लॉर्ड मैकाले था, हमारे यहां आया था, जिसने अंग्रेज शिक्षा लागू की थी। उसने एक लाइन बोला था पार्लियामेंट में वहां जाकर के, कि हमें एक, जब अंग्रेजी शिक्षा लागू करना था वहां के पार्लियामेंट में, हमारे यहाँ देश में लागू करना था, तो ब्रिटेन में वो पार्लियामेंट में जब उससे पूछा गया कि आप भारत में अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हैं लोगों को, तो उसने कहा कि हमें अंग्रेजी से मतलब नहीं है, हमें वहां प्रशासन करना है, हमें शब्द क्या बोला था कि हमें ऐसे अंग्रेज, ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग रूप से तो भारतीय हो लेकिन विचारधारा कैसे हो, अंग्रेज हो। इसलिए हमें क्या उनको करना है, अंग्रेजी पढ़ाना है। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा का लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड मैकाले, उसने यही सेंटेंस बोला था। आगे बताऊंगा, ये समझ में आया नहीं आया? अब भारत, जब ये भी भारतीय, ये भी भारतीय, ये भी भारतीय, और सब किसके संरक्षण में काम करेंगे, अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों की पावर जो होगी, जो मजबूती होगी, जड़ होगा, वो क्या होगा, मजबूत होता चला जाएगा, खासकर भारतीयों में। इसीलिए 1857 के विद्रोह में बहुत ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जितने लोग उसको विरोध कर रहे थे उसे दुगना क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। ठीक है, बंगाल और बिहार के जितने जमींदार हैं बड़े बड़े, आज भी देखा होगा बंगाल बिहार में, जो लोग बिहार में, उनको पता होगा जिसके पास जमीन होगी बिल्कुल नहीं होगी बिहार में, और जिनके पास जमीन होगी उस 150 बीघा जमीन होगी बिहार में, ये सिस्टम है। अगर कोई बिहार का होगा उसको पता होगा,
कई लोगों के पास 100 100 बीघा जमीन है, किसी के पास 0 जमीन है, और जिनके पास 0 है वो दिल्ली में सब्जी बेच रहे हैं, और जिनके पास ज्यादा जमीन है वो व्यापार कर रहे हैं वहां अपने बिहार में है, जमींदार बन के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो जमींदार सब थे। बात समझ आया नहीं आया? ऐसे कोई डाउट किसी को? आगे लिखना, हानि द्वय शासन से हानि किसको हुई, क्या क्या हानियां हुई द्वय शासन से? नंबर एक, नवाब का कमजोर होना, नवाब का कमजोर होना। दूसरा, मुगलों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का लगभग समाप्त हो जाना, मुगलों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था लगभग समाप्त हो जाना। जब पैसा मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे? फिर पंगू बन जाएंगे ना पूरी तरह से। अगला, किसानों का आर्थिक शोषण, किसानों का आर्थिक शोषण। अगला, भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश, भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश। कुटीर उद्योगों का विनाश। ठीक है ना? चलिए, अगला दो नवाब और उनके बारे में क्यों लिख लेना है, इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नजमुद्दौला के बाद जो नवाब बनाया गया क्यों लिखना है, बस उनके दो पॉइंट लिखना है बस। उसके बाद नवाब बनाया गया सैयद सैफ उद दौला। अगला नवाब है सैफ उद दौला, 1766 से लेकर 70 तक। और अगला जो अंतिम नवाब है वो है मुबारक उद दौला, बस ये लिखना है बस। 1770 से लेके 75 तक ये दो नवाब लिखना। अगला नवाब है सैफ उद दौला 1766 से लेके 70 तक। और बंगाल के अंतिम नवाब है मुबारक उद दौला 1770 से 75 तक। 70 से 75 तक बताता हूं मैं, लिख लिया। अब इन्हीं के बारे में लिखना है, एक पॉइंट लिखना है। एग्जाम में एक बार पूछा गया कि बंगाल में जो नवाब थे उन नवाब के पद को हमेशा के लिए समाप्त किसने कर दिया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लिखना एक पॉइंट, लिखना बंगाल के अंतिम नवाब, संगीता अंतिम लाइन थी बेटा वो, भारतीय उद्योग धंधों आया कुटीर उद्योगों का विनाश। ठीक है, लिखना है पहला पॉइंट, यह बंगाल का अंतिम नवाब था, यह बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। ठीक है ना, अंतिम नवाब था। 1775 में वॉरेन हेस्टिंग ने नवाबी का पद समाप्त कर दिया। 1775 में 75 में वॉरेन हेस्टिंग ने नवाब के पद को समाप्त कर दिया। नवाब के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो डाउट नहीं है? तो बंगाल में हम लोगों ने ये चैप्टर मार्क समाप्त हुआ। हमें बंगाल में दो युद्ध याद रखना है और कौन कौन से प्रमुख नवाब हुए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है वो याद रखना है। ठीक है, मैं तो किसी कोई डाउट हो एक बार देख लो, कुछ पूछना हो पूछ लो तो हम आगे बढ़ें। और जो लोग ऑनलाइन हो भी कुछ पूछना हो तो पूछ लें, और समझ में आ गया तो बता दें कि समझ में आ गया है, तब आगे बढ़ें हम। आगे बढ़े, अभी टाइम है हमारे पास। चलिए, डाला हेडिंग पंजाब राज्य, पंजाब राज्य। क्या हुआ, लेट गए? पंजाब राज्य, अब मैप निकालना, पेज नंबर 14।
एटलस में पेज नंबर 14 खोलना। पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, बस पेज नंबर 14 मत लिखना। चले आगे बढ़े, याद रखना पंजाब दो है, पंजाब दो है, और पंजाब का मतलब होता है पांच नदियों की भूमि। जिसको ना पता वो लिख लेगा, पंजाब का मतलब होता है पांच नदियों की भूमि। अब पांच नदियां हैं कौन सी, कोई बताएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पंजाब में पांच नदियां जो हैं उसमें सिंधु शामिल नहीं रहेगा, ठीक है? और पांच नदियां जो हैं उनको कहा जाता है पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। पंचनद में है झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज, ठीक है? इन पांच नदियों की भूमि को मिला के बोलते हैं क्या? पंजाब। पंजाब दो है, लेकिन उस समय पंजाब क्या था? एक था। उस समय जो पंजाब एक था उसमें अगर हम बात करें, यस, पाकिस्तान को एक पंजाब चला गया, एक पंजाब हमारे पास है। अगर हम बात करें तो उस समय जो पाकिस्तान था वो तो पूरा ऐसे था, जब देश का बंटवारा हुआ तो जो पश्चिमी पंजाब है वो किसको मिला? पाकिस्तान को। और पूर्वी पंजाब किसको मिला? हमें मिला। बात समझ आया? लेकिन पंजाब भूमि है सिखों की। किसकी है? सिखों की। देखा होगा सिखों को हम पंजाबी भी बोलते हैं। पंजाबी मतलब होता है पंजाब के लोग, बिहार का मतलब होता है बिहार के लोग, बिहारी जिसे कहते हैं। तो बुरा नहीं माना, कोई किसी बिहारी बोलते तो बुरा मान जाए, ठीक है? हाँ आकाश, ठीक है, बात समझ में नहीं आया? तो उस समय पंजाब में जो शुरुआत हुआ था, जो केंद्र था पंजाब राज्य में, हम उसको थोड़ा पीछे से चलेंगे। और सबसे पहले हम पंजाब में जो जो सिख समुदाय है, सिख धर्म है, हम पहले उनके गुरुओं की बात करेंगे। सिख धर्म में प्रमुख गुरु कौन कौन से थे? नाम सुना होगा, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, सुना है ना? तो पहले हम इनकी बात कर लें, तब हम आगे राजनीति व्यवस्था शुरू करें। क्योंकि ये चैप्टर मैंने इसलिए छोड़ा था कि पहले गुरु शुरू करेंगे और पंजाब राज्य को अंतिम तक समाप्त करेंगे, ठीक है ना? जिसे एक साथ आपके पास नोट्स रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू करें, डाला हेडिंग, पहले एक पॉइंट लिखना। क्या हुआ? बस एटलस वही पंजाब। अच्छा हाँ, पंजाब देखो जरा एक बार, सॉरी एटलस दिखा ही नहीं, सबसे पहले पंजाब देखो जरा एक बार। पंजाब दिख रहा है सबको? हाँ, वहां भी देख सकते हो, वहां भी दिख रहा है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूटी भी है। कोई बता सकता है कि चंडीगढ़ को यूटी क्यों बनाया गया? तो दोनों राजधानी अलग कर देते, पंजाब की अलग, हरियाणा की अलग। लेकिन पंजाब और हरियाणा राजधानी तो एक ही है ना, चाहते तो अलग कर सकते हैं। कोई है वहां उस साइड का, पंजाब हरियाणा का? हरियाणा कोई है यहां? हरियाणा से बताओ। हरियाणा में खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है? देखा होगा बहुत प्यारी बोली होती है खड़ी हरियाणा की, वो प्यार से बोलते, लगता है हमें गाली दे रहे हैं, ठीक है? और पंजाब की अलग बोली है पंजाबी। लेकिन जो चंडीगढ़ है वहां पे शुद्ध हिंदी बोली जाती है। भाषा के आधार पे हमारे यहाँ देश राज्य गठन हुआ है ना, इसलिए उसको क्या बना दिया गया? यूटी। अब याद रहेगा, चलिए लिखना। मुगल काल में पंजाब एक उपजाऊ प्रांत के रूप में जाना जाता था, आवाज भी है। मुगल काल में पंजाब एक उपजाऊ प्रांत के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी लाहौर थी, जिसकी राजधानी लाहौर थी, जिसकी राजधानी लाहौर थी। पंजाब में एक नए धर्म का उदय हुआ,
पंजाब में एक नए धर्म का उदय हुआ जिसे सिख संप्रदाय कहा जाता है या सिख धर्म कहते हैं। सिख धर्म कहते हैं। सिख धर्म कहते हैं। मुगल काल में पंजाब एक उपजाऊ प्रांत था। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। यहां पर पंजाब में एक नए धर्म सिख धर्म की स्थापना हुई या उदय हुआ। ठीक है ना। अब डाला हेडिंग सिखों के प्रमुख गुरु। सिखों के प्रमुख गुरु। सिख धर्म के बारे में कोई कुछ बताएगा जो पहले ज्ञान बटोर के रखा हो? कोई भी? गुरु नानक देव। और कुछ? आप कड़ा पहनते हैं, चाकू रखते हैं, कंघा रखते हैं, कच्छा पहनते हैं, यही सब? अरे हंसने वाली बात नहीं है, कच्छा भी पहनते हैं, वो मैं नियम है बताऊंगा मैं। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया बताया। तो पंजाबी की ही पहचान है। याद रखना पंजाबी जो धर्म है ये हिंदुओं से अलग हुआ है ना। ठीक है। बौद्ध धर्म क्या है? हिंदुओं से अलग हुआ है। जैन धर्म क्या? हिंदुओं से अलग हुआ है ना। तो पहले बौद्ध धर्म जैन धर्म को अलग धर्म नहीं, अल्पसंख्यक नहीं माना जाता था, और तो अब माना जाने लगा ना। चले आगे बढ़े। चलिए, लेकिन नंबर एक गुरु नानक। नंबर एक गुरु नानक। गुरु नानक, इनका टाइम पीरियड भी लेते जाना, 1469 से लेकर के 1538। 38 पहला पॉइंट, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या क्या काम किया इन्हीं बारे में लिखना है कि करके, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। और देखा होगा जो गुरुद्वारा होता है, कई लोग गए होंगे, लंगर चलता है वहां, लंगर व्यवस्था, बढ़िया देसी घी का हलवा मिलता है, दाल और रोटी सब लोग खाए होगा ना। हाँ, तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? गुरु नानक ने। लिखना दूसरा पॉइंट, लंगर व्यवस्था की शुरुआत। और तुम लोगों के लिए नहीं है हलवा खाने के लिए, वो गरीबों के लिए है, लेकिन हम जबरदस्ती वहां पर रुमाल ओढ़ के चले जाते हैं। यानी गरीब जाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर, दूसरा लंगर व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की थी। पॉइंट पर लिखना है क्या क्या काम किया था इन्होंने। ठीक है। और ये जो है कई देशों की यात्रा किया था। और एक चीज बता दें, जो राम जन्मभूमि का निर्णय आया था वो इन्हीं के ऊपर निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट का किसी ने अगर जजमेंट पढ़ा हो तो उसमें लिखा था कि गुरु नानक ने, इनके आदि ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने 1520 ईस्वी में श्री राम जन्मभूमि की यात्रा की थी। श्री राम जन्मभूमि की अयोध्या में यात्रा की थी। अगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर नहीं होता तो ये अपने वहां लिखते क्यों? तो इतिहास खोजा गया तो आदि ग्रंथ में मिला कि 1520 ईस्वी में गुरु नानक यहां पे आए थे। ठीक है। और क्या कहां आए थे? राम जन्मभूमि मंदिर की का दर्शन किए थे। तो जब मंदिर लिखा है इसका मतलब मंदिर रहा होगा। बात समझ आया? इसी आधार पर निर्णय दिया गया था। तो लिखना गुरु नानक मक्का, मदीना और अयोध्या की यात्रा की थी। मक्का, मदीना और अयोध्या की यात्रा की थी। हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया और अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। कर्मकांड का जो यज्ञ होता है ना, और उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। और अवतारवाद क्या है? विष्णु के कई अवतार हैं,
इनका यह कहना था गुरु नानक का अवतारवाद और क्रमकांड का विरोध किया। इन्होंने इनका कहना यह था अवतारवाद के संदर्भ में, लास्ट लाइन है, अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। हाँ, पांचों पॉइंट बोल रहा हूं मैं, अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। विरोध क्यों किया इन्होंने, अवतारवाद का खंडन किया, कैसे किया? इन्होंने कहा कि जब हम विष्णु के अवतार कृष्ण हैं और विष्णु के अवतार राम भी हैं, सब दस अवतार है, नौ अवतार है ना, टोटल नौ अवतार, दसों अवतार भी हुआ नहीं है, तो जब दस अवतार हम विष्णु की, जब हम अवतार की पूजा क्यों करें, हम सीधे किसी पूजा करें विष्णु की, आखिर उन्हीं का रूप है ना केवल, तो ऐसे के कई देवता रहेंगे तो मानव का ध्यान क्या होगा, भटकेगा, बहुत देववाद होगा तो क्या होगा, भटकेगा, इसलिए कोई एक देवता होना चाहिए, ठीक है ना, यही उनका मेन वो था, फोकस था उसी पर, ठीक है ना। ये पहले गुरु थे, नंबर दो डाल लो, उसकी क्लास आगे कराऊंगा। गुरु नंबर दो है गुरु अंगद, गुरु अंगद। इनका टाइम पीरियड कब है, 1538 से लेकर के 1552, गुरु अंगद। यही विरोधाभास है, बिल्कुल। चले आगे हम लोग, गुरु अंगद को दो नाम से पुकारा जाता है, इनको लेहना भी बोलते हैं, लेहना, लहंगा नहीं, लेहना, और बाबा श्रीचंद, बाबा श्रीचंद भी बोला जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि लेहना के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। गुरु अंगद ये दूसरे गुरु हुए हैं गुरु नानक के बाद, ठीक है ना, इसी क्लास हम लोग कल करेंगे। तो गुरु नानक हो गए और गुरु अंगद, तब तक नहीं आता तो लिखवा देते हैं, जब तक कोई ऑपरेटर ना आ जाए तब तक लिखवाते हैं, लिखवाते हैं, लिखना। ये गुरु नानक के शिष्य हैं, लपेट रखना मत आप लोग, अभी लिखते रहना। ये गुरु नानक के शिष्य हैं और इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया, इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया, और पंजाबियों और सिखों की एक नई लिपि, और सिखों की एक नई लिपि गुरमुखी लिपि का विकास किया। लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया और सिखों की एक नई लिपि गुरमुखी लिपि का विकास किया, गुरमुखी लिपि का विकास किया। जिस लिपि में आप लोग लिख रहे हैं उसका नाम है देवनागरी लिपि, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। कभी पंजाबियों की लिपि देखा है, उनकी भाषा देखा है, पंजाबी शब्द का, पंजाबी किसी ने पढ़ा है कुछ, देखा है, तो उनका शब्द अलग होता है, तो जो लिपि बनाई गई का खागा, उनका जो बनाया गया, उनके जो वर्ड बनाए गए उसको क्या बोलते हैं, गुरुमुखी लिपि बोला जाता है। तो उस व्यवस्था की शुरुआत कौन किया है, गुरु अंगद ने किया है, ठीक है ना। तीसरा क्या खा लिया था, गुरु अमरदास, तीसरे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक, 74 गुरु अमरदास, और इसे छोड़ देंगे हम लोग, क्लास कल करेंगे, थक गए। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक, ये तीसरे गुरु हैं। और याद रखना, जो 10 गुरु लिखवाएंगे या 10 ही गुरु हुए हैं उनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। तो घर में जिस थोकचे में पढ़ते हो वहां 10 गुरु का नाम लिख के टांग देना वहां पे, जब बार बार आप उसका दर्शन करेंगे गुरु का तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक, राजनीति तक करते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जो लोग ऑनलाइन है, चौथा पॉइंट है कि सिखों के एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि का विकास किया। संगीता, गुरुमुखी लिपि का विकास किया, अच्छा, गुरु नानक का अवतारवाद और क्रमकांड का विरोध किया। ज्योति,
अवतारवाद और कर्म कांड का विरोध किया। राम जन्मभूमि की यात्रा आकाश इन्होंने किया था और इन्होंने बताया था कि वो अयोध्या में है। राम जन्मभूमि अयोध्या में ही है वो ना। फैजाबाद तो नाम बाद में अवध के नवाब ने रख दिया था, उसको पहले अयोध्या ही कहा जाता था। ठीक है, ओके, थैंक यू।